नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। कोई भी लॉन्ग शो या एनीमे देखना शुरू करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है। हम सब बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा शो एंजॉय करना चाहते हैं जो हमें बिल्कुल भी बोर ना होने दे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट शॉर्ट एनीमे शो के बारे में बात करेंगे, जो आपका बहुत ही कम टाइम लेते हुए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो बेस्ट शॉर्ट एनीमे सीरीज का सेकेंड पार्ट है और वर्ल्ड्स बेस्ट एनीमे शो की हमारी वीडियो सीरीज का फिफ्थ पार्ट है। तो अगर आप रियल एनीमे लवर्स हैं तो इस सीरीज के सभी वीडियोज आपको जरूर देखने चाहिए। तो कुछ अमेजिंग शॉर्ट एनिमेस की लिस्ट के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेरीज के लिए और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है कावानेरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस। ये एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जो स्ट्रेंज जॉम्बी टाइप क्रिएचर्स आपको दिखाएगा। ह्यूमंस और इन स्ट्रेंज क्रिएचर्स के बीच बैटल आपको बहुत एंटरटेन करेगी। इस एनिमे में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान अनडेड मॉन्स्टर की सडन अपीयरेंस के कारण पूरे मैनकाइंड को एक हार्ड सर्वाइवल बैटल फाइट करनी पड़ जाती है। इन मॉन्स्टर्स को मारना इतना आसान नहीं है। इन्हें या तो स्पेशल वेपन से मारा जा सकता है या फिर पर्टिकुलर वे में अटैक करके इन्हें खत्म किया जा सकता है। अब नॉर्मल ह्यूमंस इन पावरफुल मॉन्स्टर्स को कैसे फेस करते हैं, ये आप एनिमे देखकर पता लगाइए। इस शॉर्ट एनिमे में सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं जो नेटफ्लिक्स पर जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है काइजी अल्टीमेट सर्वाइवर। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है जो गैम्बलिंग पर बेस्ड है और शायद गैम्बलिंग पर सेंटर्ड ही अपनी तरह का एक ही एनिमे है जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने रखता है। एनिमे की स्टोरी यंग बॉय काइजी को फॉलो करती है जो ग्रेजुएशन के बाद अब थोड़ा पैसा कमाना चाहता है, अपनी पॉवर्टी से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अपनी किस्मत बदलने की ये जर्नी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और एक पॉइंट उसकी लाइफ में ऐसा आता है जब जल्दी अमीर बनने का तरीका वो चुनता है और गैम्बलिंग की दुनिया में कदम रखता है। इसके बाद जो चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं वो इस एनिमे को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, काइजी की इस गैम्बलिंग जर्नी को सिर्फ 26 एपिसोड्स में आप इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है ब्लास्ट ऑफ टेम्पेस्ट। ये एक डार्क फैंटेसी एनीमे है जो मर्डर मिस्ट्री और रिवेंज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें दिखाता है। इस एनीमे की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जिसकी यंगर सिस्टर का मर्डर हो जाता है और इस इंसिडेंट के बाद लीड कैरेक्टर इस मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाता है। इस क्वेस्ट में लीड कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड भी उसका साथ देता है। अब ये दो टीनेजर इस ट्विस्टेड मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ये तो एनीमे देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। इस मिस्टीरियस मर्डर वाले ट्विस्ट के अलावा भी बहुत सी डार्क फैंटेसीज और मिस्ट्रीज ये एनीमे आपको दिखाएगा। 24 एपिसोड वाले इस इंटरेस्टिंग एनीमे को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 7 पर है डेविल मैन क्राई बेबी। ये एक फैंटेसी एक्शन एनीमे है जिसका कंसेप्ट और स्टोरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके कैरेक्टर्स और एक्शन सीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एनीमे की इंटरेस्टिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए डेविल के साथ मिल जाता है, एक डेविल मैन बन जाता है। यानी डेविल की स्ट्रांग पावर्स उसे मिल जाती है, लेकिन अभी भी उसका क्राई बेबी ह्यूमन हार्ट उसके पास होता है जो उसे एक गुड डेविल मैन बनाता है। और इस तरह लीड कैरेक्टर अपनी पावर से ह्यूमैनिटी का सेवियर बन जाता है। अब ये सब कुछ उसकी लाइफ में क्यों और कैसे होता है, लीड कैरेक्टर के क्राई बेबी से डेविल मैन बनने तक की ये इंटरेस्टिंग जर्नी एनीमे देखकर आप डिस्कवर कीजिए। इस इंटरेस्टिंग शॉर्ट एनीमे सीरीज में सिर्फ 10 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। Is my body? What happened to it? You're a man who possesses both the body of a devil as well as the heart of a human. Devil man. नंबर 6 पर है 91 डेज। ये एक इंटरेस्टिंग क्राइम ड्रामा एनीमे है जो माफिया बॉसेस की राइवलरी एंड डिस्प्यूट्स हमें दिखाता है और इन्हीं डिस्प्यूट्स की वजह से शुरू हुई एक रिवेंज की स्टोरी भी हमें दिखाता है। इस एनीमे की थ्रिलिंग क्राइम स्टोरी लीड कैरेक्टर पर सेंटर्ड है। एक माफिया डिस्प्यूट में लीड कैरेक्टर की पूरी फैमिली मारी जाती है जिसके बाद वो अपना होम टाउन छोड़ देता है। लेकिन 7 साल बाद जब लीड कैरेक्टर अपना बदला लेने के लिए वापस आता है तब स्टोरी में रियल थ्रिल शुरू होता है। एनीमे का लीड कैरेक्टर अकेला इतनी पावरफुल माफिया फैमिली से बदला कैसे लेगा, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एनीमे सिर्फ 12 एपिसोड्स के जरिए एक थ्रिलिंग क्राइम स्टोरी आपको दिखाएगा। तो दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। नंबर 5 पर है डार्कर देन ब्लैक। ये एक साईफाई मिस्ट्री थ्रिलर एनीमे है जिसका अमेजिंग कंसेप्ट इसे यूनिक और अट्रैक्टिव बनाता है। इस एनीमे में हम देखते हैं कि 10 साल पहले टोक्यो में एक इम्पेनिट्रेबल फील्ड अपीयर हुआ जिसे हेल्स गेट कहा जाता है। ये फील्ड क्या है और ये क्यों है, ये किसी को नहीं पता। इन गेट्स की अपीयरेंस के साथ ही कुछ पैरानॉर्मल पावर्स वाले साइकिक एजेंट्स भी अपीयर हुए जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। एनीमे की स्टोरी ऐसे ही एक मोस्ट पावरफुल अंडरकवर कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करती है जो राइवल एजेंसीज के साथ मिलकर हेल्स गेट की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, हेवंस गेट और हेल्स गेट की ये मिस्ट्री क्या है, ये आप एनीमे देखकर पता लगाइए। स्ट्रेंज कंसेप्ट पर बेस्ड इस इंटरेस्टिंग एनीमे के टोटल 24 एपिसोड्स हैं। अगर आप कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं तो इस एनीमे को जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 4 पर है री लाइफ।
ये एक अमेजिंग हाई स्कूल ड्रामा एनीमे है जिसमें कुछ अनइमेजिनेबल आपको देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आप भी ये सोचने लगोगे कि ऐसा कुछ अगर रियल लाइफ में हो पाता हमारे साथ तो हम भी शायद लाइफ को थोड़ा और बेटर शेप कर पाते। इस एनीमे की अमेजिंग स्टोरी 27 ईयर ओल्ड एक यंग मैन को फॉलो करती है जो अपनी लाइफ में फेल हो चुका है और वो इस चीज़ से बहुत परेशान है। एक दिन अचानक उसकी लाइफ में एक शार्प टर्न आता है जब एक मिस्टीरियस पिल के जरिए उसे अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका मिलता है। अब लीड कैरेक्टर इस चांस को लेता है या छोड़ देता है, ये मिस्टीरियस पिल क्या है और ये लीड कैरेक्टर की लाइफ को किस तरह बदल सकती है, इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब एनीमे देखने के बाद आपको मिल जाएंगे। इस इंटरेस्टिंग, यूनिक और ब्यूटीफुल शॉर्ट एनीमे सीरीज में 13 एपिसोड्स हैं। नंबर 3 पर है टेरर इन रेजोनेंस। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे है जो एक हॉरिफिक टेरर अटैक की स्टोरी हमें दिखाता है। जापान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर टेररिस्ट अटैक होता है और वहाँ से बहुत ही वैल्यूएबल और डेंजरस कुछ चुरा लिया जाता है। अब गवर्नमेंट और पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है कि ये अटैक क्यों हुआ है और ये किसने किया है। कुछ दिनों बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दो टीनेज बॉयज टोक्यो शहर को तबाह करने की धमकी देते हुए पुलिस और गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं। इसके बाद एक टेंस्ड चेज स्टोरी में शुरू होती है और ये एनीमे और भी थ्रिलिंग बनता जाता है। अब ये टीनेजर्स कौन हैं, ये पूरे शहर को क्यों तबाह करना चाहते हैं, ये आप एनीमे देखकर पता लगाइए। इस शॉर्ट एनीमे में सिर्फ 11 एपिसोड्स हैं। नंबर 2 पर है अकामेगा किल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉपुलर एक्शन एडवेंचर शोनन एनीमे है जिसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स, एक्शन सीन सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव है। इस एनीमे की इंटरेस्टिंग स्टोरी विलेज के एक यंग बॉय को फॉलो करती है जो अपने विलेज के लिए थोड़ा पैसा जोड़ने के पर्पस से कैपिटल सिटी में आता है और वहाँ एक डेंजरस असैसिन ग्रुप द नाइट रेड के साथ जुड़ जाता है और यहाँ से उसकी एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है। और स्टोरी में आए इस इंटरेस्टिंग टर्न के बाद इस एनीमे में थ्रिल और एक्शन की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, द नाइट रेड असैसिंस ग्रुप के एडवेंचरस मिशंस को आप भी बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस शॉर्ट एनीमे सीरीज में एवरेज 23 मिनट्स के 24 एपिसोड्स हैं जो नेटफ्लिक्स पर जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। Young fighter Tetsumi travels to the Imperial City with dreams of saving his impoverished village. नंबर 1 पर है वन आउट्स। ये एक अमेजिंग स्पोर्ट्स ड्रामा एनीमे है जो बेसबॉल और गैम्बलिंग पर बेस्ड है। एनीमे की इंटरेस्टिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो प्रोफेशन से एक एथलीट है। वो अपनी फास्ट बॉलिंग एबिलिटी से बेसबॉल के सिंप्लीफाइड वर्जन वन आउट्स में पैसा कमाता है और यही चीज़ उसे बाय हार्ट एक गैम्बलर बना देती है। अब लीड कैरेक्टर को जब एक रियल बेसबॉल टीम में खेलने का मौका मिलता है तब वो गेम को इंपॉर्टेंस देता है या फिर पैसे को, ये आप एनीमे देखकर पता लगाइए। अगर आप स्पोर्ट्स पर बेस्ड एनीमे पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट एनीमे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें सिर्फ 25 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग शॉर्ट एनीमे शो जो सभी एनीमे लवर्स को एक बार ज़रूर ट्राई करने चाहिए। इनमें से कौन सा एनीमे आपका फेवरेट है, इस लिस्ट में और कौन सा एनीमे ऐड होना चाहिए था, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियोस की लिस्ट के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए और एनीमे की बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।